बैक टू माई चैनल सुनैना शर्मा। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ बारिश। यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश आ रही है इस टाइम की मैं आपको बता नहीं सकती, तो मैं आपको दिखाती हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मौसम आज इतना सेक्सी है ना और इतना सुंदर है ना कि मतलब मज़ा ही आ रहा है। ऐसी बारिश तो मतलब कोई मौसम भी नहीं है, बेमौसम की बारिश आ रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो पीछे से बारिश में मज़ा तो बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है ना तो एकदम दिल भी बहुत खुश हो जाता है, और जब मौसम एकदम धूप होती है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि घूम भी नहीं सकते हैं। लेकिन अभी हमारा प्लान था कि हम हरकीपौड़ी जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ बारिश। क्योंकि वहाँ पे कोई शेड भी नहीं है कि हम बैठ के इंजॉय कर सकें। तो आज हम रहेंगे घर में। घर में जो कुछ भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी अपने ब्लॉग के थ्रू, तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग में। तो आज हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो बताओ ना कि घर में इंजॉय करोगी? बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, बहुत सच में। मम्मी मतलब ऐसी बारिश देख रहे हो कितनी प्यारी है ना। ओ मतलब ना आने का मन कर रहा है ना। नहाओगे आप? ठंड लग जाएगी। ठंड लगेगी। मौसी को नहीं लाए? मौसी को बुला के लाओ यार, मौसी को भी तो दर्द हो रहा है ना। मौसी के घुटनों में पहने वरना मौसी जरूर नहाती। सही बात है। मतलब दिल्ली में इतने बड़े बड़े घर होते हैं, बट यहाँ का ना वाइब ही अलग है। यहाँ पे इतना खुला घर है, फ्रेश एयर है, मतलब हर चीज़ खुली खुली है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बारिश हो रही है और साथ में आपको अपडेट्स मैं देती रहूँगी। मज़ा बहुत आ रहा है। और चाय सबने पी ली है, बस भाभी रह गई थी, भाभी ने अभी बनाई है, भाभी पी रही है। तो अगर बारिश रुकती है गाइस तो हम जाने वाले हैं हरकीपौड़ी। वहाँ पे बैठ के, क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि वहाँ पे बैठ के हम खाना खाएंगे, लेकिन खाना कैसे ही खाएंगे क्योंकि बारिश में वहाँ बैठने का कोई साधन नहीं है। बट कोई देखते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज ना बुआ के घर का टूर दे देती हूँ आप सबको, तो मैं आज यही करने वाली हूँ क्योंकि कुछ है तो नहीं मेरे पास करने को। तो आज मैं होम टूर देने वाली हूँ बुआ के घर का, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस और बाहर का व्यू घर का कुछ ऐसा है, और आप देख सकते हैं। चलो चलते हैं अंदर। घर का व्यू है गेट का, और अब चलो गेट की तरफ जाके दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे शू रैक है, इन्होंने शू रैक रख रखा है, और यहाँ पे इन्होंने एक वॉल पैनल ही डेकोर के लिए लगा रखा है। और यहाँ पे जितने फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, ये सब इंडोर प्लांट्स हैं क्योंकि मेरी बुआ को बहुत ज़्यादा शौक है ग्रीनरी का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहले इनका एंट्रेंस पे मंदिर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ की लाइट कुछ ऐसी हैं। जस्ट साइड में यहाँ पे है एक स्टोर रूम, तो इन्होंने यहाँ पे जो भी है स्टोर करके रखा हुआ है अपना सामान, ठीक है। रूम के साइड में इनका एक वैनिटी आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है सामने का व्यू, तो चलते हैं आप अंदर। तो यहाँ के फ्लोर्स की एंट्री है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, देन टेरेस है। तो आई थी ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस है, इसको ओपन करके मैं आपको पहले ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। ये जो ड्राइंग रूम है वो है ओपन ड्राइंग रूम, यहाँ पे कोई गेट नहीं है। ये है ड्राइंग रूम की एंट्रेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो बहुत खुले खुले रूम्स हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इन्होंने सोफ़ा रखा हुआ है विद टेबल, एक बिस्लरी की बॉटल भी रखी है, और यहाँ की सीलिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर।
ड्राइंग रूम, हाँ ड्राइंग रूम का बाहर का पार्ट, इतनी सुंदर लाइटनिंग्स हुई है यहाँ पे। उसके बाद ड्राइंग रूम से निकल के आ जाती है लॉबी, जैसा कि लॉबी में अभी बैठी हैं बुआ और मम्मी। चले लेकिन बारिश आ रही है ना बहुत ज्यादा, बारिश रुके तो चले, थोड़े से रुक जाएगी तो फिर चलते हैं। हाँ फिर चलते हैं। ये है लॉबी की सीलिंग जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। और बुआ ने यहाँ पे लॉबी में एक डाइनिंग टेबल रखी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जस्ट वो है ड्राइंग रूम, ये है लॉबी, लॉबी हो गई, ड्राइंग रूम हो गया। अब यहीं पे इन्होंने ओपन किचन ले रखी है क्योंकि ओपन किचन का आजकल बहुत ट्रेंड है और मॉड्यूलर किचन है इनकी। तो ये है किचन, काफी स्पेशियस है। ड्राइंग रूम खत्म होते ही लॉबी खत्म होते ही दो रूम्स, ले चलते हम ये वाले रूम में। तो ये रूम था दीदी का, उनकी शादी हो चुकी है तो अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, जब वो आती है तो वो ही रुकती है। ये है इस रूम की सीलिंग। चलते हैं इस वाले रूम में। ये रूम बहुत डिसेंट सा है क्योंकि ये फूफा जी का, उनको ज्यादा लाइट्स वाइट्स पसंद नहीं है, बट ये भी अपनी जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर रूम है। यहाँ पे अलमीराज हैं अटैच। बाहर जाके ये आ जाता है वॉशरूम, जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वॉशरूम क्या ही दिखाऊंगी। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा पोर्शन वेंटिलेशन के लिए रखा हुआ है जो कि तीनों फ्लोर्स या दोनों फ्लोर्स को क्रॉस करता है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अब चलते हैं हम ऊपर वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे इनकी स्टेयर्स में मुझे एक चीज़ बहुत खास लगती है कि वैसे तो स्टेयर्स ऐसी नहीं होती है, बट मुझे इनका ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो चलो हम चलते हैं ऊपर। और गाइस नॉर्मल स्टेयर्स होती है ना तो ज्यादा सुंदर नहीं लगता, मुझे इनकी ये चीज बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, बहुत रॉयल लुक देती है। यहाँ से एंट्रेंस हो जाती है फर्स्ट फ्लोर की, तो यहाँ का भी वही सेम है। यहाँ पे आ जाता है आपका लॉबी एरिया, तो मैं दिखाती हूँ ये उससे भी ज़्यादा सुंदर है, नीचे से भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ की सीलिंग कुछ ऐसी है। गाइस यहाँ पे बुआ ने रखा हुआ है प्यारा सा झूला जो कि अभी भाई झूल रहे हैं उस पर झूला। वैसे तो लोग बालकनी में रखते हैं बट यहाँ की बालकनी वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे मतलब झूला सूट हो रहा था तो यहाँ पे उन्होंने झूला रखा हुआ है। यहाँ पे एक दीवान है, बाकी कुछ नहीं है क्योंकि ना ज़्यादा बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। सामने किचन है बट यहाँ किचन का कोई रोल नहीं है, नीचे ही है किचन, सारा वर्क किचन का नीचे ही होता है। यहाँ पे फिर वही सेम नीचे वाला लॉबी एरिया के बाद आ जाता है अंदर ड्राइंग रूम। तो चलो चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में भी सोफा इन्होंने रखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट और प्यारा लगता है। यहाँ पे एक रूम आता है, तो ये है भाई और भाभी का रूम जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। और यहाँ की सीलिंग की तो वाह, ये सीलिंग तो मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। भाभी को ना रूम डेकोरेशंस का बहुत ज्यादा शौक है, तो उन्होंने ये DIY करके बनाया है जो कि बहुत क्यूट और बहुत प्यारा सा काउच है, बहुत ही प्यारा सा। Thank you.
बहुत प्यारी सी फैमिली पिक्चर लगा रखी है। इस रूम की ना एक खासियत है कि वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो सस्पेंस है, तो वो मैं अभी जस्ट विद इन अ सेकेंड आपको दिखाने वाली हूँ कि इस रूम की एक खासियत है क्योंकि यहाँ पे बालकनी है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। तो चलो चलते हैं। यहाँ की ये बालकनी है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो और इन्होंने ना यहाँ पे एक मिरर ले रखा है अपने रूम के बाहर जो कि बिल्कुल अलग वाइब देता है। बालकनी काफी स्पेशियस है जैसे कि आप देख सकते हैं। रूम में इन्होंने एक छोटा सा पोर्शन रख रखा है अलमीरा का, और यहाँ पे है वॉशरूम जो कि वही चीज है, मैं दिखाऊंगी नहीं। और ऊपर रखी है वाहेगुरु जी की फोटो क्योंकि मेरी भाभी पंजाबी है, अमृतसर से है। ये इस फ्लोर का है मास्टर रूम। चलो चलते हैं। एज इट इज वहां पे बहुत ही ब्रॉड करके अलमीरा ले रखी है यहाँ। फाइनली टेरेस पे वही चीज इन्होंने यहाँ पे ले रखी है, ये जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हम चल रहे हैं फाइनली टेरेस पे, यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग एरिया बना रखा है। तो गाइस ये है टेरेस, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है, यहाँ की लाइट्स बहुत ज्यादा प्रिटी है। यहाँ पे भी इन्होंने फ्लोरिंग करा रखी है बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से। ये घर एक्चुअली नॉर्मल तरीके से नहीं बनवाया गया है, ये आर्किटेक्चर के थ्रू पूरा डिजाइन करवा के बनाया गया है। तो मैं आपको लास्ट में ना एक पिक्चर शेयर करूंगी, वो पूरा जो ड्रोन से शूट हुआ है, जब ये घर नहीं बना था ना तो तब वो पिक्चर इन्होंने सिलेक्ट की थी कि हमें ऐसा घर चाहिए, बिकॉज ये एक प्लॉट ही था, बना हुआ घर नहीं था। तो ये है इतनी बड़ी इनकी टेरेस। यहाँ का वेदर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रिटी हो रहा है, मतलब वाओ कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है। अब चल रहे हैं हम नीचे, चलो भाई की फरमाइश आई है तो आज मैंने भाभी को रेस्ट दे दिया। रेस्ट तो कहने का है, बाकी तैयारियां वो ही कर रही है, मैं तो बस थोड़ा सा कर रही हूँ। सारी चॉप डुई भी बुआ ने दे दी, अब बाकी का सामान भाभी कर रही हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। अभी तो मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है। तो गाइज यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रेवी चाप, क्योंकि मलाई चाप पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अभी मुझे ज्यादा चीज नहीं आती है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे ग्रेवी चाप। इसकी आधे से ज्यादा तैयारियां हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चाप वॉश हो चुकी है, अनियन भी चॉप्ड हो चुकी है, बट ये चॉप्ड नहीं डालूंगी, इसको पूरा मैं ग्रेवी बनाऊंगी इसकी अभी मिक्सी में। और ये बेचारे तीन टमाटर अभी पिसने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। Thank you.
मैं बात कोई टाल को नहीं सकता और कोई को ना मेरी मौसम मेरी माँ। आ गए हर की पौड़ी। मैंने कहा था ना अगर बारिश रुक जाएगी तो हम जरूर आएंगे, तो हम आ गए हैं। और रात को कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं। इतनी तेज बारिश हो रही है, हमने यहाँ से शॉपिंग भी कर ली और बारिश आ रही है। मम्मी तो कह रही थी कि अम्ब्रेला लेके चलते हैं, मैंने ही मना कर दिया था, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी भीगना भी चाहिए। गाइस हम आए यहाँ पे घूमने, बड़ा चोटी वाला, ठीक है। अब हम आपसे क्या ही बोलें, यहाँ पे इस टाइम रात हो गई है, बारिश बहुत तेज है। गाइस यार मेरी भाभी मुझे हंसा रही है। देखिए लोग कैसे डुबकियां लगा रहे हैं, वो देखिए। ओ भाई मारो, मुझे मारो। हम अब जा रहे हैं बाजार, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के बाजारों की रौनक रात को भी कैसी रहती है। यहाँ से अब जा रहे हैं, रिक्शा कर लिया हमने, बहुत बुरे रेट मांग रहा था, लेकिन जैसे हम चलने लग गए तो फिर लाइन पे आ गया, तो हम जा रहे घर पे। घर पे तो हम चल रहे हैं घर की ओर, हमने शॉपिंग कर ली है, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि हमने क्या क्या लिया है। लेकिन यहाँ पे बारिश आ रही है, बूंदा पानी बननी हो रही है, और यहाँ पे अभी भी लोग बहुत ज्यादा घूम रहे हैं और रौनक इतनी ज्यादा है। बाजार खुले हुए हैं, खाना चल रहा है, रेस्टोरेंट ढाबे दुकानें सब खुला है। वो तो आपको खैर रौनक दिख ही रही होगी साइड में। तो बोल रही हो है सौगात है, ये क्या सौगात दिखाने वाली सौगात? मैं सौदा कह रही। अच्छा सौदा, ये भाभी तो सौदा है मेरा नीता है ना, सही कह रही हूँ ना मम्मी? बिल्कुल गलत कह रही है। अच्छा सुनो यार, क्या ली ली है ये? इसमें एक छोटी सी जोड़। भैया बीड़ी बंद करो। ओ माय गॉड, मम्मी को बीड़ी लग गई। बीड़ी चाहिए नहीं। घर पे बुआ को ना हम लेके नहीं गए थे, तो बुआ गई नहीं। मैं नाराज हूँ। नाराज हूँ, लेकिन फिर मौसी के पास कौन रहता है ना, इसलिए तो फिर कोई नहीं, आराम करने वाले हैं। उससे पहले मैं आम पापड़ खाऊंगी भाभी के साथ मिलके। गाइस देखो आम पापड़ खा लेते हैं, दिखा देती हूँ क्योंकि कैसे खाया जाता है आम पापड़ को। उसके बाद हम जा रहे सोने। गुड नाइट गाइस। खाएंगे सब, लेकिन तोड़ने को कोई राजी नहीं, क्योंकि पता है ना हाथ खराब हो जाएंगे। मम्मी तोड़ दो यार। नहीं सोनो दे, मेरे बस की नहीं। मम प्लीज। अच्छा तेरा नखून। या नखून है मेरे। खाएंगे सब, तोड़ने को कोई राजी नहीं। तो यार काम तो हमारा तोता ही है। हरियल तोता। हरियल हाय, कितनी प्यारी है यार ये हमारी बेचारी भाभी सी। कह रही है सड़ा वाला आया तो माम पापड़ों भी खा भी रही है, देख रहे हो? लेकिन ये बहुत टेस्टी है। इसको टेस्ट कितना है? पहली बार हल्की हल्की पड़ी हो रहा है ठगानी, लेकिन बहुत टेस्टी है नहीं सच बताओ? बहुत टेस्टी। चटकारे भी मारनी है और कह रही नहीं अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे कर रही है, लेकिन नमक लगा के और लगे, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है। आए हुए अभी बेचारे को 5 मिनट भी नहीं हुए, इसकी हालत देखो क्या हार दिया बेचारे को।